दोस्तों, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है बाबू मुशायद बंदूकबाज का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही जैसे रिस्पांस आ रहा है, टीज़र का जो रिस्पांस आया था, जो पोस्टर का रिस्पांस आ रहा है वो अमेजिंग है, ओवरवेलमिंग है। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये ट्रेलर आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी हम ट्रेलर लॉन्च के लिए जा रहे हैं नियर अबाउट, ये कहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर चार बंगला के आसपास हैं और आई थिंक मुश्किल से सात मिनट या आठ मिनट भाग के सिर्फ अपने गांव जाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। वहाँ पे वापस आने के बाद थोड़ा सा बिजी था, दूसरे काम थे, तो मैंने तब तक जो है कुशान को टरकाया जाए उसके बाद जब मैं वापस, मुझे टाइम मिल जाएगा, उस एक अच्छा वक्त होगा तब फिल्म बनाई जाएगी। और मुझे लगा कि आप मतलब बहुत वक्त लेते हैं कोई भी फिल्म डिसाइड करने के लिए, मतलब ये जो दो साल से हम एक दूसरे के साथ हैं, मुझे लगता है कि आप वो इंस्टेंट रिएक्शन आपका होता है कि अच्छा है बुरा है, पर वक्त बहुत लेते हैं। मेरा ये होता है कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एकदम करता रही है, तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट कर लूँ, लेकिन फिर थोड़ा सा दो तीन दिन हो जाते हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता हूँ। न्यूट्रल होकर फिर सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो करेक्ट चीज़ें समझ में आती हैं। न्यूट्रल स्टेट में ज़्यादा अच्छा डिसीजन होता है कि टू बी नॉट टू बी, या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया, मतलब मैं बहुत सवाल हैं इनके दिमाग में, तो ज़रा नहीं, मुझे लग रहा है कि हम एक्चुअली हर वक्त काम में हम डूबे रहते हैं और हम कभी इस तरह का मौका नहीं मिलता है बात करने। मुझे लगता है कि आपको आप बहुत, मतलब मुझे हर वक्त लगता है बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब मुझे दो, आपका पहला और दूसरा टेक मेरे हिसाब से आपके बेस्ट टेक्स होते हैं, पर वो स्पॉन्टेनिटी में एक मेथड है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है अगर वो सातवें टेक पर भी चला गया ना तो स्पॉन्टेनिटी मेंटेन रखता है, तो वो मेथड इन द स्पॉन्टेनिटी जो है वो क्या कैसे करते हैं आप? मेरा एक्चुअली यही रहता है कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया भाई कैरेक्टर ये है बाबू मुशाय का, तो मैं बहुत ही सीरियसली उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। लाइक जैसे आपके असिस्टेंट भी थे, वो भी किस तरीके से उस कैरेक्टर को देख रहे हैं, तो अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ एक, और एक स्पाइन, स्ट्रॉन्ग स्पाइन बनाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आप अगर आपको बेसिक फाउंडेशन जो है वो मजबूत हो गया है, फिर आप उसके बाद कहीं भी खेलो, इस तरह का मेरा रहता है। तो वो स्पॉन्टेनिटी इसलिए मैं कहीं जाने नहीं देता क्योंकि उससे बहुत सारा, अगर आपको बेसिक मालूम है तो उसके बाद स्पॉन्टेनिटी वर्क करती है या इम्प्रोविजेशन जो है वो वर्क करता है। दूसरा सवाल जो है, अभी आगे सवाल मत करना नहीं तो मेरे पास अभी ये है, हथियार है मेरा, लेकिन हम मारेंगे नहीं, फ्री में नहीं मारते हम, यू नो, जैसे आप ही ने लिखे हैं डायलॉग सारे, तो आप ही का डायलॉग आप ही को दे रहा हूँ मैं। एक बात बताइए, आपके अंदर कितना बाबू है, बाबू मतलब कितना है बाबू? देखिए, बाबू तो सबके अंदर है, लेकिन मजबूरी है, जो हालात हैं वो इंसान को इस तरह के काम नहीं करने देते। अगर लोगों को छोड़ दिया जाए खुला और दे दिया जाए गन ले और बट वो, तो सबसे पहले अपने दुश्मनों को जाके मारेगा, तो या जिनसे ईगो है उसको जाके मारेगा, या जिसकी वजह से उसको काम नहीं मिला उसको जाके पहले ठोकेगा वो। हालांकि ये गलत बात है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, वायलेंस को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ये फिल्मी बातें कर रहे हैं हम लोग, या हम चूँकि हमारी फिल्म में इसी तरह की चीज़ें हैं तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। बट बाबू जो है ना वो हर किसी के अंदर है, एक एटीट्यूड है और एक प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म ये है कि वो कभी भी किसी को फ्री में नहीं मारेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको तभी मारेगा, उसके बाद आप उसको, आप उसके साथ कैसे भी मजाक कर लीजिए, बेटे से बात कर लीजिए, रे से बात कर लीजिए, कुछ नहीं कहेगा आपको, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तब आपको वो छोड़ेगा। नमस्ते, बाबू के अंदर एक शरारतपन है जी, और मुझे लगता है आपके अंदर वो शरारतपन भी है, पर मुझे लोगों को लगता है आप बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस एक्टर है, मतलब उस सब के अंदर आपके अंदर एक बचपना है, एक एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चा कभी मारना नहीं चाहिए अपने अंदर का, वो बचपना रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बच्चा रहेगा आपके अंदर, आप फ्रजाइल रहेंगे, आप रिसीव करेंगे, आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे आप, तो हंसेंगे रोएंगे भी, गुस्सा भी आएगा, सारी चीज़ें होंगी, वो सारे इमोशंस तभी हो सकते हैं आपके अंदर आ सकते हैं जब आपके अंदर वो बच्चा रहता है। तो उस तरह से देखा जाए तो थोड़ा बहुत बाबू आपके अंदर है? बाबू बिल्कुल, ऑफकोर्स, हर मैं तो कहता हूँ हर इंसान के अंदर बाबू होना चाहिए। एक इंसिडेंट था जहाँ पे अगर आपको याद है कि हम आप एक बर्तन बजा रहे थे और आपने डांस किया था, तो क्या हुआ एक्चुअली कि नवाज भाई ने मुझे बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना जोश में वो बजाया था, तो उनका हाथ
पूरे कट गए थे, अल्टीमेटली स्टिचेस लेने पड़े थे, पर शॉट के वक्त मुझे कभी पता नहीं चला था कि वो हुआ था। मतलब होने के बाद भी मैंने जब आपको बोला क्या हो गया, तो आपने बोला नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही था। तो क्या मतलब आपको जब हो रहा था आपको एहसास नहीं हो रहा था कि आपको वो चोट आ रही थी, या आप जस्ट इग्नोर कर रहे थे? नहीं, ऐसा उस वक्त तो एहसास नहीं हो रहा था, और मैं भी चाह रहा था कि अभी इग्नोर किया जाए, बाद में देख लेंगे क्या है, क्योंकि इतना इन्वॉल्वमेंट उसमें सीन में हो गया था मेरा। तो मैंने सीन पहले, क्योंकि स्टेज से सीखा है, क्योंकि स्टेज किया है मैंने कई सालों तक, तो कहते हैं ना शो मस्ट बी गोन, शो मस्ट बी गोइंग ऑन, है ना, तो वो एक इंस्टिंक्ट रहती है उसकी। तो वो हमेशा शो के वक्त जब टेक हो या स्टेज पे हो, आप कितना भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, तो शो मस्ट गो, वो एक इंस्टिंक्ट है, वो थिएटर वालों को बहुत अच्छे से मालूम है मुझे, और मुझे उम्मीद है बहुत सारे थिएटर के लोग भी देख रहे होंगे इसे, आम लोग भी देख रहे होंगे। तो एक्टर की ये एक सबसे बड़ी वीकनेस कीजिए, मजबूती की कहिए, कि शो कभी ख़त्म नहीं होने देता। और एक और फनी इंसिडेंट था, जो हमको एक ट्रेन में जाना था सुबह 4:30 बजे, याद है गमछा मुंह में रख के आप गए थे? Exactly. वहाँ पे एक आदमी, एक टीसी था, जो अल्टीमेटली हमको डिस्कवर किया। एक्चुअली क्या है, हम ट्रेन में जा रहे थे तो शूट कर रहे थे, कुछ 15-20 लोग थे, और नवाज भाई वहाँ पे क्योंकि बहुत पॉपुलर है, उनको लेके जाना वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट था, तो हमने उनको डिसगाइज किया था, गमछा वमछा मुँह पे बांध के वो गए थे वहाँ पे। तो एक टीसी अल्टीमेटली पकड़ लिया था, तो टीसी ने आपको पता है उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए था, वो था आपका ऑटोग्राफ। तो कैसा लगता है आपको, क्या फनी लगता है या आप इन्जॉय करते हैं? कभी कभी तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ऑफकोर्स देखो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जितने लोग आपको किसी को भी अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो सर झुका के वो लेना चाहिए। किसी चीज़ की वजह से तो आप काम कर रहे थे और आज वो चीज़ मिली है, और कितनी भी दिक्कत हो जाए उस चीज़ का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग आते हैं मिलने के लिए, आते हैं आपके काम की वजह से, क्योंकि आपका काम उनको अच्छा लगता है, तो इस वजह से आपको वो इज्जत देते हैं, वरना हमारी क्या औकात है, मतलब बहुत हज़ारों करोड़ों लोग हैं, मैं भी है। तो आप किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में जब इंसान काम अच्छा करता है तो लोग उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे बचपन में मम्मी कहा करती थी हमारी कि अपना काम अच्छा करो लोग अच्छा बोलते हैं, अपना काम खराब करो तो दूसरे लोग भी बुरा बोलते हैं। तो कमाल की छोटी सी बात है, लेकिन कमाल की चीज़ है कि आप अपना अपने अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हैं, अपना काम अच्छा करो तो दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं। देखो लोग कितना सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, ये कमाल की चीज़ है। ये सब तो ठीक है, पर ये करके बोलते हैं इसको, ये मैं जैसे बाबू मोशाय का आपने पोस्टर देखा होगा, मैं लूँगी ये तहमत लगा के, पीछे गन भी है ये लगा रखी है मैंने, और ये एक डब्बा भी है, फ्रेश होने के लिए जाते हैं गांव में, है ना। तो यहाँ पे तो खैर जगह नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि अभी पूरा प्रमोशन का एक इवेंट है, तो उसमें सिर्फ इम्प्रेशन देना है कि डब्बे में पानी और मैं कहीं जा रहा हूँ, हालाँकि वो सब करने नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं आया हूँ, फ्रेश होकर आया हूँ घर से बाकायदा, बट यहाँ पे ये धोती मैं पहन लेता हूँ, फिलहाल पैंट के ऊपर ही पहन लेता हूँ, किसको पता नहीं चलेगा। तो ये धोती आपको पहननी आती है या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी? धोती बहुत पहनी है हमने बचपन में, बहुत पहनी, अभी भी पहनते हैं कभी कभी, जब अपने गाँव जाता हूँ मैं तो बाकायदा धोती पहनता हूँ, यही तहमत पहनते हैं। ये सब बहुत सिंपल है, सिर्फ यहाँ लगाया, ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा ऐसे ये फोल्ड किया, इसको इधर से इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा मुझे इसके लिए। हाँ, ये देखिए सारे काम हम अपनी गाड़ी में ही कर लेते हैं, जब हमें कभी अवार्ड अवार्ड लेने जाता तो शूटिंग कर रहा हूँ तो शूटिंग के कपड़े उतारे, यहीं पहने और अवार्ड लेके मुस्कुरा के थैंक यू वेरी मच ऐसे करके वापस आ गए, और फिर गाड़ी में कपड़े चेंज कर लिए चले गए। सारे काम आधा घर है एक्चुअली मेरा। नवाज भाई हम पहुंच गए हैं अभी, पहुंच गए हैं, और मुझे लग रहा है काफ़ी लोग सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है हमको अब रोक देना चाहिए और आपको कपड़े पहन लेना चाहिए। मैं कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुका हूं, और अभी इवेंट शुरू होने वाला है, आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होती है। फिर जाने से पहले बस एक सवाल है जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, बाबू के बारे में, कि
आपके हिसाब से बाबू एक डेंजरस गैंगस्टर है या डेंजरस लवर है? डेंजरस लवर है, और उसका प्यार करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आम आम लोग आम 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 छोटे छोटे कस्बों में होते हैं ना, वैसा है उसका प्यार करने का तरीका। वो शहरों में तो बहुत पहले इस तरीके से बोला जाता है, आई थिंक आई लाइक यू, आई लव यू, वो तो सीधा डायरेक्ट, भाई तुम मुझे पसंद हो, ऐसे बोलता है। एक लाइन भी है आपका जो हाँ वो कहता है, अब एक लड़की से बोलता है वो जो उसको पसंद आती है, जो हीरोइन है हमारी, उसको बोलता है कि माना कि टॉल और फेयर नहीं है, पर डार्क और हैंडसम तो हैं, तभी तो लड़कियाँ मरती हैं तुम्हारी तरह। और एक डायलॉग एक बहुत अच्छा है, पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब भूजा जाता तो बहुत आवाज़ करता है, जानते हो काहे? काहे कि उसकी फटरी होती है।